पार्ट 3 क्लास 11 इकोनॉमी चैप्टर 2 इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेसिव ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। गरीब देश तभी डेवलप हुए हैं जब उनमें एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। ये इकोनॉमिस्ट को पता चला। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उससे ज़्यादा स्टेबल इंडस्ट्रीज से मिलता है। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से दूसरे देशों के से जानकारी मिली थी। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। तो ये मॉडर्नाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ावा देता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट 5 ईयर प्लान प्लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसीलिए जो 5 ईयर प्लान था सेकेंड वाला, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया। यू माइट हैव स्टडीड दैट इन द प्रीवियस चैप्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी नैरो। तो आज़ादी के समय में बहुत कम तरह की इंडस्ट्रीज इंडिया में थी। लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट। तो आपने देखा था क्लास 10th में कि सिर्फ कॉटन और जूट की थी, जिसमें से कॉटन इंडियंस के पास थी और जूट फॉरनर्स के पास थी। देर वर टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स। आयरन स्टील फर्म्स से दो जो कि बहुत अच्छे से चल रहे थे, एक था जमशेदपुर में और एक था कैलकटा में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड दिस इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। तो ये था कि हमें बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को बढ़ाना था अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है? तो द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वाज़ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है। इसी से टाइप ऑफ इकोनॉमी डिफाइन होती है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्सड इकोनॉमी है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तो जो आज़ादी के टाइम पे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं था और इतनी कैपिटल नहीं थी, वर्किंग कैपिटल या जैसी भी, कि जिससे वो बड़े बड़े वेंचर्स डेवलप कर सकें। और अगर जिनके पास पैसा था भी, नॉर वॉज द मार्केट वॉज बिग इनफ। तो मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी कि जिनके पास कैपिटल है वो भी ऐसा कुछ कर पाए। इट इज़ प्रिंसिपली फॉर दो रीजन्स दैट द अर्स्टवाइल गवर्नमेंट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन द प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी कारण से गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने में अपने एक बड़ा रोल निभाना पड़ा। इन एडिशन दिस डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन अ सोशलिस्ट लाइन्स लेड टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये और उसके बाद ये भी कारण था, एक तो वो डेवलप कर नहीं पा रहे थे, दूसरा कारण ये था कि अपन को सोशलिस्ट इकोनॉमी बनानी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने जो कंट्रोलिंग कमांडिंग पॉलिसी बनाते हुए अपने हाथ में रखने का सोचा। एज द सेकेंड 5 ईयर प्लान पुट इट दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट वुड हैव कंप्लीटेड कम्प्लीट कंट्रोल ऑन दोज इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने बताया कि उन इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहेगा जो वाइटल है इकोनॉमी के लिए। पॉलिसी of private sector would have to be complementary to those public sectors with the public sector leading the way. तो जो major तो public sector रहेंगे और private sector वो रहेंगे जो उनके लिए as a complementary काम कर पाए, जिससे socialist economy India की बन पाए। अब ये क्या है, industrial policy resolution 1956 क्या है, IPR 1956। तो ये कह रहे कि इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द 1956 वाज अडॉप्टेड। दिस रेजोल्यूशन फ्रेम्ड द बेस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। दिस तो ये है कि इस रेजोल्यूशन से ये हुआ कि कमांडिंग हाइट इकोनॉमी की किसके पास रहेगी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लिया गया, सरकार के पास रहेगी या प्राइवेट लोगों के पास रहेगी। तो इस रेजोल्यूशन में एक सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस को फ्रेम किया है, जो प्लान
ये एम्फेसिस करता है कि अपनी सोसाइटी एक सोशलिस्ट पैटर्न पर बनेगी। तो दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू थ्री कैटेगरीज। तो इसमें तीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज आई। सबसे पहली कैटेगरी थी कि इंडस्ट्रीज जो एक्सटेंसिवली सिर्फ सरकार के हाथ में ही रहेगी, और फिर दूसरी थी कैटेगरी जिसमें इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स फॉर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स होंगे जो पब्लिक सेक्टर्स को सप्लीमेंट कर पाए। जैसे BHEL है तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाएगी, लेकिन फिर इलेक्ट्रिकल्स के बाद अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के काम आ रहे हैं तो वो फिर उससे फर्दर अपनी सेकेंडरी प्रोडक्शन कर सकता है विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू यूनिट्स। और थर्ड कैटेगरी थी वो थी द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो कि पूरी प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का सहारा लिया। तो उनसे प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस ऑब्टेन करने थे, उनके बिना वो नहीं हो पाती। दिस इंडस्ट्री दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोशन प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। तो ये जो बैकवर्ड रीजन्स थे उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पर उन्होंने सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया, लेकिन लाइसेंसिंग को ज़रूरी रखा। इट वॉज ईजी टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज बैक इन अ बैकवर्ड एरिया। तो अगर बैकवर्ड एरिया में कोई सेटअप करना चाहता है तो उसे लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। तो इसलिए वो रीजनल इक्वालिटी चाहते थे, ऐसा ना हो कि जैसे किसी स्टेट में पॉवर्टी 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 आ जाए, कोई स्टेट रिच रिच हो जाए, तो गवर्नमेंट को इसको बढ़ावा देने के लिए और इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लाई कि बैकवर्ड एरियाज में जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, जल्दी इकोनॉमी डेवलप कर सके। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग द आउटपुट। तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी अगर उनको एक्सपेंड करना है, तो प्रोड्यूसिंग अ न्यू वेराइटी ऑफ गुड्स अगर लानी था। दिस वॉज मेंट टू इंश्योर दैट द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस वॉज नॉट मोर देन वॉट द इकनॉमी रिक्वायर्ड। तो ये इसलिए था कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सरकार की नज़र में ही हों, और ऐसा ना हो कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हों, उससे भी इकोनॉमी को लॉस हो जाता है। लाइसेंस टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इन द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वान्टिटी ऑफ गुड्स। तभी लाइसेंस दिया जब गवर्नमेंट को जा चुकी थी। अब वट आर दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से एक साल पहले। द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमिटी नोटेड नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो अब ये रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यूज़ किया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? डिफाइन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। द लिमिट हैज़ टू बी चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन 1950 स्मॉल स्केल यूनिट वॉज वन 1950 स्मॉल स्केल वो थी जो कि सिर्फ 5 लाख तक के मैक्सिमम रुपीज खर्च कर पा रही थी, जो इन्वेस्ट कर रही थी 5 लाख रुपए, तो वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तब तक वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगी। अब वो चेंज हो गई है और अब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो गया है एट प्रेजेंट। इट इज बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, मशीनरी कम होंगी तो लेबर इंटेंसिव होंगी। दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयर फॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये देखने वाली चीज़ है।
But these industries cannot compete with the big industrial firms, but cannot compete with big firms. So it is obvious that development of a small scale industry required them to be shielded from the large firms. For this purpose, the production of number of products was reserved. So production of number of products was reserved for small scale industry. Ki wo wale products hai wohi banayenge. The certain reservation being the ability of these units to manufacture goods. They were also given concessions such as low excise duty on bank loans at lower interest rates. अब है ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन. अभी हमने देखी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब हम देखेंगे ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्ट वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी. क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो ट्रेड भी तो होगा ही, प्रोडक्शन होगा तभी तो ट्रेड होगा. तो इन द अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी ट्रेड होगा, प्रोडक्शन होगा तब भी ट्रेड होगा, क्योंकि सामान कम होगा तो खरीदना पड़ेगा बाहर से. इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्ट वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी. इन द फर्स्ट सेवन प्लान्स ट्रेड वॉज करेक्टराइज बाय वॉट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. उस टाइम पे हमारी थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. तो ये इसी को बोलते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. So the policy aimed at replacing or substituting imports from the domestic production. तो वही है कि imports को कम करना है, जिसे कम खरीदा और खुद ही बनाना है अपने यहाँ पे. For example, instead of importing vehicles made in a foreign country, industries would be encouraging to promote them in India itself. In this policy, government protected the domestic industries from foreign competition. Protection from imports took two forms. So government protected the domestic industries from foreign competition. The two forms of the imports, tariffs and quota. Protection from imports. दो तरीके से होता है, एक टैरिफ्स होते हैं कोटा. टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. तो जी इम्पोर्टेड गुड्स जो रहते हैं उन पे एक टैक्स होता है, वो होता है टैरिफ. Tariffs are a tax on imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use. ठीक. तो इसलिए जनता खरीदेगी नहीं, ज़्यादा expensive रहेंगे और फिर local कोई खरीदेगी. तो ये होगा tariffs. Tariffs makes the goods more expensive. Quota specify the quantity of goods which can be imported. How much we can import. तो ये कोटा होता है. तो हम समझिए कि टेरिस और कोटा क्या होते हैं. तो अब कोटा स्पेसिफाई द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड. द इफेक्ट ऑफ टेरिफ्स एंड कोटाज इज दैट दे रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फ्रॉम कॉम्पिटिशन.
Domestic firm from foreign competition. So quota, they protect the domestic firms from foreign competition. The policy of production is based on the notion that the industries of the developing countries are not in a position to compete against the good produced by more developed economies. It is assumed that the domestic industries are protected, they will learn to compete in a course of time. Our planners also fear that the policy of possibility of foreign exchange being spent on import luxury good if no restrictions were placed on the imports. हाँ, तो जो अपने luxury goods हैं उनको जाके foreign exchange भी कर सकते हैं. Nor was a serious thought given to promote exports until the mid-1980s. तो exports को बढ़ाने के लिए भी यही सबसे important है, ये वाला. Effect of policies on industrial development. So the achievements of the India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. The promotion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11% in 1950 to 1951 to 24.6% from 1990 to 1991. The rise in the industry's share of GDP, an important indicator of development, the 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is commendable. Annual growth rate was 6%. No longer was the Indian industry restricted largely to cotton and textiles and jutes. In fact, the industrial sector became a well-deserving well diversified by 1990. तो बहुत सारी तरह की कंपनियां खुल गई थी largely due to public sectors. तो ये सब ग्रोथ हमारी क्यों हुई? पब्लिक सेक्टर्स की मदद से, जो कि अब गवर्नमेंट खत्म कर रही है. द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव द अपॉर्चुनिटीज टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म्स टू गेट इन टू द बिजनेस. प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरन कॉम्पिटिशन enable the development of indigenous industries. इसीलिए इतने से policies और planning के कारण नहीं हो सका कि हमारी indigenous industries बन पाई. हमने protect किया small firms को shielding करके large producers को items जो जो small scale industries के बनाए like items हैं उनके लिए, और फिर हमने tariff on quota से इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन किए, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की मदद से बहुत अच्छे से हमने बढ़ा लिया. द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड. तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बन पाया. इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सम इकोनॉमिस्ट आर critical of the performance of many public sector enterprises. So if it was proposed that at the beginning of this chapter, initially public sector was required in a big way, it is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and several
often monopolizing them, although this was no longer required. An example of the provision of telecommunication service. इसीलिए BSNL को बंद करके अब जियो चालू हो गई है, ये इन इकोनॉमिस्ट की वजह से, ये भी छपी है मतलब. This industry continued to be reserved for the public sector even after it was realized that the private sector firms could also provide it. तो private sector firms अगर provide कर रही हैं, लेकिन government sector भी तो दे ही रही थी, तो government sector को देने देते हैं, private sector capitalization तो वैसे गलत ही था. सिर्फ एक ही कारण नहीं था privatization का एक कारण ये भी था कि हमें socialist economy बनानी थी, capitalist economy बनती जा रही है. This industry continued to be reserved. Due to the absence of the competition, even till at late 1990, public sector को competition चाहिए क्यों है, वो तो public sector है. So due to the absence of competition, even till the late 1990s, one had to wait for a long time to get the telephone connection. Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if the private sector could not manufacture bread. Criticizing the previous governments in the NCERT book. Wow. In 2001, this firm was sold to a private sector, and the point is that after four decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between what the public sector alone can do and what the private sector can also do. For example, if now only the public sector supplies national defense, and even though the private sector can manage hotels well, yet the government also runs hotel. This had led some scholars to argue that which state should get out of the areas which the private sector can manage and government may concentrate in the resources on important services which the private sector cannot provide. The puri economy ko agar कैपिटलिस्ट बनाने का टारगेट नहीं है, ये बुक में गलत समझा है. ये समझा रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में कैपिटलिज्म ही लाना है. दिस हैज लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड गेट आउट ऑफ द एरिया विच द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज एंड गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेट ऑन मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स. ये तो पार्ट हर जगह कब जाए. Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it was in a drain of the nation's limited. It is a drain on the nation's limited resources. This does not mean that private firms are always profitable. It is difficult. Close a government undertaking even if the drain on the nation's limited resources. This does not mean that private firms are always profitable. Indeed, quite a few of public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses. They were then nationalized to protect the jobs of the workers. However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses. The need to obtain license to start industry was misused by industrial houses. License, ये कैसे misuse किया? कि a big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent the competitors from starting new firms. So इसलिए being an industrialist अपने खुद सारे license लेके रख लेते थे जैसे कोई नई firms खुल ही ना पाए. The excessive regulation of what came to be called it the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. More time was spent by the industrialist in trying to obtain a license or lobby with the concentrated ministries rather than thinking about how to improve their products. तो उनके यहीं पे ध्यान रहता था कि हम औरों को ना खोलने दें, competition ना बढ़ जाए. The production from the foreign
The production from the foreign competition was also being criticized on the ground that it continued even after it proved to be do more harm than good. Due to the restriction on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producers produced. The Indian producers की कमी थोड़ी है अब अदर प्लान में. The producers were aware that they had a captive market, so they had no incentive to improve the quality of goods. ये है तो वो अवेयर हो गए थे. नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी. जैसे फोन्स का मामला हो रहा था, वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी व्हेन दे कुड सेल लो क्वालिटी आइटम्स एट हाई प्राइस. द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर्स टू बी मोर एफिशिएंट. अ फ्यू इकोनॉमिस्ट हैड आल्सो पॉइंट आउट दैट द public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation. The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people, not on the profits they earn. So, regarding the production, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. हाँ, क्योंकि rich nations ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो local market की कब्जा है. और वहाँ मतलब rich nations are having their local producers and they are producing good goods. Then why we are removing all the restrictions? ये सबसे important point है. वो रिच नेशंस और रिच हो जाएंगे. सो ऑल दीज कन्फ्लिक्ट्स इकोनॉमिक्स कॉल फॉर अ चेंज इन अ पॉलिसी. दिस अलोंग विद अदर प्रॉब्लम्स लेड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वाज इंप्रेसिव इंडीड. Our industries became far more diversified compared to the situation at the independence, and we became self-sufficient in food and production thanks to the Green Revolution. India reforms resulted in the abolition of the hated zamindari system. Land reforms. Industrial sector, many economists became dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. Excessive government regulation prevented the growth of the entrepreneurship in the name of self-reliance. Indian producers were protected against the foreign competition and did not give them the incentive to improve the quality of the goods. Ye to last paragraph. The Indian policies were inward oriented that failed to develop the strong export sector. तो वो protection के लिए था. The need of the reforms of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario, and the new economic policy was initiated in 1991 to make the Indian economy more efficient. This is the subject of the next chapter. Thank you.